नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 का सियासी महासंग्राम थम गया है, जिसके बाद एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में महागठबंधन को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। साथ ही साथ जिस यूपी से बीजेपी को 2014 में बड़ा फायदा हुआ था, वहां बीजेपी केवल 20 से 25 सीटों तक रुकती दिख रही है। लेकिन बीजेपी को बंगाल के साथ साथ बाकी कई राज्यों में बड़ा फायदा होता दिख रहा है। 542 सीटों के एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के करीब आती दिख रही है। देखिए एबीपी न्यूज का 572 सीटों का एग्जिट पोल। यूपी का एग्जिट पोल, यूपी में बीजेपी को 22 सीटें मिल रही हैं। यूपी में महागठबंधन को 55 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिल रही हैं। यूपी में मायावती को 30 और अखिलेश को 25 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड का एग्जिट पोल, उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिलने के अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में यूपीए को 14 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को पहले केवल 6 सीटें मिली थी। गुजरात का एग्जिट पोल, गुजरात में बीजेपी को 26 में से 24 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज 5 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान का एग्जिट पोल, राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 19 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान में कांग्रेस को महज 6 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 6 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान। कर्नाटक का एग्जिट पोल, कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 15 सीटें मिलने का अनुमान। कर्नाटक में कांग्रेस को 13 सीटें मिलने का अनुमान। आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में अन्य को 25, बीजेपी को भारी नुकसान, एक भी सीट ना मिलने का अनुमान। कांग्रेस को भारी नुकसान। बिहार का एग्जिट पोल, बिहार की 40 में से 34 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान। बिहार में यूपीए को केवल 6 सीटें मिलने का अनुमान। तेलंगाना का एग्जिट पोल, बीजेपी 0, तेलंगाना में अन्य को 16 सीटें मिलने का अनुमान। तेलंगाना में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। केरल का एग्जिट पोल, केरल की 18 सीटों में से कांग्रेस को 15 सीटें मिलने का अनुमान। केरल में बीजेपी को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान। केरल में अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान। बंगाल का एग्जिट पोल, बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 16 सीटें मिलने का अनुमान। बंगाल में टीएमसी को 24 सीटों के मिलने का अनुमान। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान। ओडिशा का एग्जिट पोल, ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान। ओडिशा में बीजेडी को 12 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड का एग्जिट पोल, झारखंड की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड में यूपीए को 6 सीटें मिलने का अनुमान। पंजाब का एग्जिट पोल, पंजाब में 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान। पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का अनुमान। आपको 2 सीट मिलने का अनुमान। हरियाणा का एग्जिट पोल, हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 सीट मिलने का अनुमान। हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान। पूर्वोत्तर का एग्जिट पोल, पूर्वोत्तर की 24 सीटों में से बीजेपी को 13 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान। अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल, कांग्रेस को 0, हिमाचल में बीजेपी को 4 में से 4 सीट मिलने का अनुमान। जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल, जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में एनसीपी को 2 सीट मिलने का अनुमान।
पीडीपी को भी 2 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली का एग्जिट पोल, दिल्ली में बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान।